मणिपुर इंसिडेंट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा आपने वायरल वीडियो के थ्रू कि किस तरह से दर्दनाक और खौफनाक इंसिडेंट हुआ है। अब जब पुलिस से पूछा कि इस केस में क्या हुआ है तो पुलिस बोलती है कि उन्होंने 20 जुलाई 2023 को चार मेन अक्यूज को हिरासत में ले लिया है, कस्टडी में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जब चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट 4 मई 2023 का है और उनको ये बात तब पता लगी जब ये वीडियो वायरल हुई। इतना बड़ा बवाल हो गया मणिपुर में और हमें कानो कान खबर भी नहीं लगी। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का, शुक्र है इंटरनेट का कि उनकी वीडियो वायरल हो गई और हमें ये बात पता लगी, हमारी आंखों के सामने आई। मेरे हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस केस को सुओ मोटो यानी कि अपने आप ही ले लेना चाहिए और इस पे स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए ताकि जितने भी मुजरिम है, जिन लोगों ने इस खौफनाक और दर्दनाक इंसिडेंट को अंजाम दिया है, उन सबको जेल के अंदर और इनफैक्ट फांसी तक होनी चाहिए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपना वकील खुद बनिए, ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।